हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू अनदर लाइफ अपडेट वीडियो। सो यस, आई एम स्टिल इन द सेम प्लेस। हम अभी तक यहाँ से शिफ्ट नहीं हुए हैं। यही सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। ओके, अब बैठ के बात करते हैं। जी बिल्कुल, मैं अभी भी जो है सेम प्लेस पर हूँ। हम लोग अभी तक यहाँ से शिफ्ट नहीं हुए हैं और काफ़ी दिन हो गए थे, कोई ब्लॉग भी मैंने अपलोड नहीं किया था, कोई अपडेट नहीं दी थी। उसके पीछे जो रीज़न था वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। सारी चीज़ें जो एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं। बेसिकली हम लोगों ने शिफ्ट होना था यहाँ से लास्ट वीकेंड, आई थिंक, जब मैंने ब्लॉग अपलोड किया था अपना पैकिंग वाला। बस उसके एक दो दिन बाद हमने वहाँ से मूव होना था, लेकिन हम लोग अभी तक यहाँ से शिफ्ट नहीं हो सके। हमारे साथ थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो गई थी, और वो ये प्रॉब्लम थी कि जहाँ जिस घर में हमने शिफ्ट होना था, वो जो उस टाइम जो फैमिली उसमें रह रही थी ना, उन्होंने कहीं और शिफ्ट होना था। तो आगे से उनके घर प्रॉब्लम हो गई, जहाँ उन्होंने शिफ्ट होना था उनको घर नहीं मिला या चाबी नहीं मिली उस घर की। तो इस वजह से हम उस घर में मूव नहीं हो सके, क्योंकि वो अभी तक खाली नहीं हुआ था। तो ये प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से फिर काफ़ी दिन हम लोगों ने वेट किया कि चलो जैसे ही उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वो मूव कर जाएंगे, तो हम यहाँ से मूव होके वहाँ चले जाएंगे। ये सारी चीज़ें थी, लेकिन वो नहीं हो सका था। फिर ये हुआ कि वो चीज़ जो है ना, थोड़ी सी गड़बड़ होना शुरू हो गई, क्योंकि वो बात जो है ना, वो लंबी होती जा रही थी। आज हो जाएंगे, कल हो जाएंगे, परसों हो जाएंगे, ये वो। तो वो चीज़ पर हमें समझ नहीं आ रही थी, और हम ये मतलब हमने ये सोचा है कि यार इतना डिले हो रहा है, इतने मसले आ रहे हैं बीच में, तो शायद अल्लाह की तरफ से नहीं है कि हम लोग उस घर में जाएँ, और हो सकता है बस हमारे लिए हक़ में बेहतर ना हो। तो हम लोगों ने ये सोच के जो है फिर उस चीज़ को वहाँ पर स्टॉप कर दिया कि बस अब इस चीज़ को हम ख़त्म कर देते हैं, हम दूसरा घर ढूंढना शुरू करते हैं। तो ये हुआ कि उसके फ़ौरन बाद हमने जो है ना दोबारा से हाउस हंटिंग शुरू कर दी, और ढूंढ रहे थे। हमारा भी टाइम एक्सीड हो गया था यहाँ से, क्योंकि हमने भी अपना बता दिया था कि हम यहाँ से मूव हो जाएंगे। तो हमारे जो मालिक के मकान थे, वो भी मतलब कह रहे थे कि बस आप लोग भी अब यहाँ से शिफ्ट हो जाएँ, क्योंकि मुझे किसी और को देना है, या उन्होंने शायद खुद आना था इस घर में वापस, एक्स वाई ज़ेड, पता नहीं क्या उनकी वजह थी। तो इसलिए वो ये कह रहे थे कि बस आप लोग भी ना अब यहाँ से जल्द मूव हो जाएं, ताकि हम लोग अपना काम कर सकें। तो हम भी यही चाह रहे थे कि भाई जल्द से जल्द हम भी जाएं। हमारी भी मिस कमिटमेंट हो रही थी, और उनको भी प्रॉब्लम हो रही थी हमारी वजह से। तो बस पता नहीं अल्लाह की क्या मर्ज़ी थी, हम लोग बहरहाल अभी तक यहाँ से शिफ्ट नहीं हुए हैं। अभी हमें थोड़ा टाइम मिल गया है, मकान मालिक से बात करके सारा सॉल्व कर लिया है, क्योंकि आगे मुहर्रम स्टार्ट होने वाला है, और मुहर्रम की वजह से घर जो है इतनी जल्दी से खाली नहीं होते, सॉरी। तो बस अभी जो है ना, हम लोग हाउस हंटिंग में ही लगे हुए हैं, और तकरीबन सारी पैकिंग हो गई थी, किचन ऑलमोस्ट सारा पैक कर लिया था, और बीच में मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंटेंस काइंड ऑफ सिचुएशन चल रही थी। इधर घर की पैकिंग भी हो रही थी, बस लग रहा था कि हम कल शिफ्ट हो जाएंगे, आज रात तक हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे, इस तरह से चल रहा था। लेकिन अभी तक हम शिफ्ट नहीं हो सकें, और इंशाल्लाह इरादा है कि इस ये जो अपकमिंग वीक आ रहा है, इसमें हम यहाँ से मूव हो जाएँ, ठीक है। बस आज भी जो है ना, एक घर जो सॉर्ट किए हैं वो देखने जाना है। अल्लाह मियाँ, बस दुआ है अल्लाह से कि वो हमें समझ में आ जाए, पसंद आ जाए, हमारी रेंज के अंदर आ जाए, तो हम क्विकली यहाँ से मूव कर जाएं, ताकि अब जो हमें टाइम मिला है ना, बस ये फुल एंड फाइनल है। और अच्छी बात नहीं है कि किसी को परेशान करना। बेसिकली इसमें हमारी तो गलती नहीं थी, हमने जहाँ शिफ्ट होना था वो शिफ्ट नहीं हो सके दूसरी जगह पर, इस वजह से हमारा सारा मामला जो है ना, वो बीच में ख़राब हो गया। तो इसमें किसी की भी गलती नहीं है, बस कुछ मसाइल ही ऐसे हैं, या सिचुएशन ऐसी बन गई कि कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता था। तो ये वजह थी कि हम लोग अभी तक यहाँ से शिफ्ट नहीं हुए। ऑलमोस्ट सारा सामान पैक है, थोड़ा बहुत रह गया है, और जो पैक किया था वो भी फिर ज़रूरत पड़ने पे बाहर निकला है सामान वापस, उसको दोबारा से पैक करना है। और मैंने अपना कबर्ड वगैरह सब कुछ क्लियर कर दिया है, कुछ भी नहीं है मेरे कबर्ड में, सिर्फ मुझे अपनी वैनिटी को सॉर्ट करना है, अपना बेड जो है ना वो निकालना है, और सब कुछ बस सॉर्ट है। इसी तरह पूरा घर जो है ना, ब्लॉग में इस वजह से भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि घर इतना ज़्यादा फैला हुआ था, और कभी कोई आ रहा है बात करने के लिए, कभी हम कहीं जा रहे हैं घर देखने के लिए, तो बीच में ना कुछ इस तरह से मैनेज नहीं हो पा रहा था कि मैं ब्लॉग बनाऊँ या इस तरह से कोई आप लोगों को अपडेट दूँ। और इतनी ज़्यादा थकावट हो रही थी, एक वेदर भी ऐसा है कि हल्का बुखार हो रहा है सबको, और वायरल हो रहा है, तो यू नो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है सब कुछ देखना। ज़्यादा यार कि पिछले दिनों तबीयत ख़राब रही, उसको बुखार था,
तो मैनेज नहीं हो पा रहा था कि मैं कुछ भी ब्लॉग करूँ और आप लोगों को अपडेट दूँ, लेकिन फाइनली आज मैंने सोचा था कि बस बहुत हो गया, मुझे आप लोगों को इन्फॉर्म करना है कि क्या हो रहा है, कब तक शिफ्ट हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मुझे DMs आते रहते हैं कि आप ही आप ब्लॉग अपलोड कर दें, आप ही आपने बताया नहीं आप कहाँ हैं, कैसी हैं, XYZ. तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ इस तरह बात कर लूँ बैठ के थोड़ी देर सुकून से. जावेर अभी सोया था और मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, किचन वगैरह मैंने सुबह ही सारा क्लीन कर दिया था और बस ऐसे सच अभी मेरे पास इतना कोई ख़ास काम नहीं है, थोड़ा बहुत है वो मैं जो है ना कर लूँगी थोड़ी देर के बाद. अच्छा, मैंने जो है ना ये किट ऑर्डर की थी, ब्लॉगिंग किट, मैंने आप लोगों को अपनी इंस्टा स्टोरी पे भी दिखाई थी, अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो प्लीज़ फॉलो कर लें वहाँ पे. ये मैंने दराज से ऑर्डर की थी वीडियो मेकिंग किट, ठीक है, इसकी अनबॉक्सिंग भी करनी थी और इसके बारे में डिटेल रिव्यू भी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था, लेकिन मुझे अभी तक टाइम नहीं मिला कि मैं वीडियो बना सकूं इस पर, लेकिन ज़रूर बनाऊंगी, बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है. बाकी इतना ही कह सकती हूँ कि बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है. बाकी मैं आपको इसको पूरा अनबॉक्स करके भी दिखाऊंगी, इसको असेंबल भी करके दिखाऊंगी और इसकी लाइट्स कैसी हैं, इसकी माइक की क्वालिटी कैसी है और स्टडी है या नहीं है, जो भी इसके बारे में ऑनेस्ट रिव्यू होगा वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है. ये मेरे पास वैनिटी पे ही रखा रहता है व्लॉगिंग किट का बॉक्स और मैं यही सोचती हूँ कि आज मैं इसकी वीडियो बनाऊँगी पर मैं नहीं बना पाती क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता और जब टाइम मिलता है ना तो बस दिल चाहता है थोड़ी देर लेट जाओ, थोड़ा सा आराम कर लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, सामान पैक करना, अनपैक करना, इट्स अ टास्क, इट्स अ टास्क. तो बस यही है और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दुआ करें हम लोग को कोई अच्छा घर मिल जाए, सूटेबल घर मिल जाए और पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह कि कैसे हम लोगों की शिफ्टिंग होती है, कैसा हम घर लेते हैं और किस तरह का होता है सब कुछ, ठीक है. मैंने सोचा था इस घर का भी मैं पूरा हाउस टूर रिकॉर्ड करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन अब जो है ना जाने का टाइम आ गया तो अब हाउस टूर वगैरह देना जो है ना वो आई थिंक बेकार है. इंशाल्लाह नए घर में आप लोगों को पूरा अपना होम टूर भी मिलेगा, मेरा रूम टूर भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी. तो आप लोगों ने दुआ करना है कि अच्छा सा घर मिल जाए, जल्दी मिल जाए और हमारी रेंज के अंदर मिल जाए. जो लोग रेंट पर रहते होंगे ना उन्हें पता होगा कि कराची में घर ढूंढना एक बहुत स्ट्रगल का काम है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, वो भी आपकी मर्ज़ी का घर मिल जाना, आपकी बजट के अंदर मिल जाना, ये बहुत मुश्किल है कराची में स्पेशली. तो बस हम लोग भी इसी में लगे हुए हैं, बाकी अल्लाह मालिक है, अल्लाह खैर करेगा, सबके लिए आसानी हो, हमारे लिए भी हो. और आजकल वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में. आप नेक्स्ट वीडियो या तो शिफ्टिंग की हो सकती है या तो फिर शिफ्टिंग ही हो सकती है आई गेस. तो बस अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया. जो लोग मुझे DMs करते हैं मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है, मैं उनको जवाब नहीं दे पाती हूँ एट द मोमेंट, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि लोग पूछते हैं, सोचते हैं, समझते हैं मुझे कुछ, तभी मेरा मतलब ख्याल रखते हैं, पूछते हैं मेरे बारे में कि आप कहाँ हैं, कैसी हैं, कोई अपडेट नहीं है, कोई ब्लॉग आपने अपलोड नहीं किया, कोई वीडियो अपलोड नहीं की, तो यू नो बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि चलो कोई तो है जो मतलब मेरा वेट करता है या मेरे बारे में सोचता है, मेरी केयर करता है, तो बहुत खुशी होती है आप लोगों का प्यार देख के, सपोर्ट देख के. और जो आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, जो वीडियोस की जो रिक्वेस्ट की थी वो भी मैं बनाऊंगी, वो मैंने सब कुछ लिखा हुआ है अपने पास डायरी में. इसके अलावा जो आपकी क्वेश्चन आंसर की जो वीडियो थी वो भी मुझे बनानी है, जो आप लोगों से मैंने इंस्टा पे पोस्ट लगाई थी कि आप लोग सवाल पूछे मुझसे, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे जिसमें पर्सनल भी थे और काम से रिलेटेड भी थे, तो उसके आंसर भी मैं इंशाल्लाह जो है एक सेपरेट वीडियो में दूंगी. तो ये सब भी करना है, लेकिन थोड़ा सा ये ज़रा शिफ्टिंग का प्रोसेस ज़रा स्मूथ हो जाए, ज़रा हम लोग यहाँ से मूव हो जाएं और थोड़ा सा माइंड भी ज़रा क्लियर हो जाए ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लटर हुआ है, क्योंकि हर चीज़ फैली हुई आपको जब नज़र आ रही होती है ना तो आपका माइंड भी बहुत ज़्यादा क्लटर हो जाता है, तो फिर आप जो है ना फंक्शन नहीं कर पाते सही से. तो मेरी भी यही कुछ सिचुएशन है अभी, घर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, ऑब्वियसली पैकिंग है हो रही है, फिर अनपैक किया जा रहा है, फिर दोबारा पैक किया जा रहा है ना, तो बहुत मुश्किल होता जा रहा है सब कुछ. और दूसरे भी मसाइल साथ साथ चल रहे हैं, फाइनेंशियल, इमोशनल, समझ सकते हैं मैं क्या कह रही हूँ. बहरहाल उसके बारे में हम अलग से फिर किसी और दिन बात करेंगे. चलें जी, काफ़ी सारी बातें हो गई, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, मैंने काफ़ी अपडेट दे दिया. मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं आप लोगों के साथ एक जो है ना लुक शेयर करूँगी और उसके साथ जो है ना चिट चैट हम गेट रेडी विद मी टाइप ऑफ
कर लेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी पॉसिबल है। तो चलें कोई नहीं, आप लोगों से बातें करनी थी, बातें मेरी हो गई हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।